ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे कि नेशनल एक्सप्रेसवे 2 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सप्रेसवे इतना खास है कि इसके बारे में आपको एक बार जरूर जानना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे कि ये क्यों इतना खास है, कैसे यह देश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर जो पानी गिरता है वो भी बर्बाद नहीं होता है, उसको भी स्टोर कर लिया जाता है। तो आइए जानते हैं इस स्मार्ट एक्सप्रेसवे के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 27 मई 2018 को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी कि ईपीई का उद्घाटन किया था, जिसे कि कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह 6 लेन का 135 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बड़े पेरिफेरल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसमें दो एक्सप्रेसवे हैं, एक ईपीई यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दूसरा डब्ल्यूपीई वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये दोनों एक्सप्रेसवे मिलकर के दिल्ली को घेरने वाली सबसे बड़ी रिंग रोड बनाते हैं, जो नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद को राष्ट्रीय राजधानी के करीब लाते हैं। आपको बता दें गाइस कि 1.5 लाख करोड़ रुपया की लागत से बनाया गया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भारत का पहला स्मार्ट और ग्रीन एक्सप्रेसवे है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे गाजियाबाद और पलवल के माध्यम से हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। इसके सिर्फ लैंड एक्वाइजेशन में 11,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसके अलावा यह देश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला एक्सप्रेसवे भी है। इस वाले एक्सप्रेसवे पर हर 500 मीटर की दूरी पर वर्षा जल संचयन स्थापित किया गया है, यानी कि इस वाले एक्सप्रेसवे के 500 मीटर के रेंज में जो पानी गिरेगा उसको वहीं पर स्टोर कर लिया जाएगा, जिससे एक्सप्रेसवे पर पानी का जमाव नहीं होगा और एक्सप्रेसवे की जो क्वालिटी है, जो कैपेसिटी है, वो और भी लंबे समय के लिए बढ़ जाएगी और पानी भी बर्बाद नहीं होगा। इस वाले राजमार्ग पर 36 राष्ट्रीय स्मारक और 40 फव्वारे भी होंगे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पलवल, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद और गाजियाबाद को सिंगल फ्री जोड़ता है। इससे राष्ट्रीय राजधानी से गुजरने वाले करीब 2 लाख वाहन भी इस बाईपास पर आ जाएंगे। सरकारी अनुमान के मुताबिक दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रैफिक में 30% की कमी आएगी, जिससे अंततः शहर के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की दूरी 135 किलोमीटर है और इसे 6 अलग अलग ठेकेदारों में बांट करके बनाया गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इसे NE2 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सोनीपत से पलवल तक चलता है। उत्तर प्रदेश में यह बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और हरियाणा में फरीदाबाद से होकर के गुजरता है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क में 1 अप्रैल 2022 को संशोधित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में 10% से 50% तक की वृद्धि की गई है। अब डासना से दुहाई तक टोल 10 रुपया लगेगा, दुहाई से मविकला यानी कि बगावत तक 15 रुपये की जगह 50 रुपये हो गए हैं। कार और हल्के वाहनों के लिए शुल्क 50 से 55 रुपये होंगे। दुहाई से छज्जू तक टोल 180 रुपया और डासना से 165 रुपया होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर वाणिज्यिक वाहनों के लिए गति सीमा 100 किलोमीटर पर आवर और कार, जीप वगैरह के लिए 120 किलोमीटर पर आवर है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS का उद्घाटन 22 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। ITS से यातायात दक्षता, बुनियादी ढांचे का प्रबंधन, यात्रियों को यातायात समस्याओं की पहले से चेतावनी देने और यात्रा के समय को कम करने में मदद मिलेगी। नितिन गडकरी ने कहा है कि एक्सप्रेसवे पर गति सीमा में बदलाव का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। और ये हाईवे जो है ये 6 लेन सीमेंट कंक्रीट का है, पूरा काम 500 दिन में पूरा हुआ, एक ऐतिहासिक काम है। इसके अलावा भी गाइस, इस वाले एक्सप्रेसवे की कई सारी खासियतें हैं, जैसे कि अपराध को रोकने के लिए हर 25 किलोमीटर पर गश्ती वैन तैनात किए जाते हैं, यानी कि इस वाले एक्सप्रेसवे पर आप एक्सीडेंट करके कुछ उल्टा सीधा करके भाग नहीं सकते हैं। हर 25 किलोमीटर पर आपको पेट्रोलियम पुलिस मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हर 25 किलोमीटर पर एम्बुलेंस वैन भी मिल जाएगी। 135 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर टोल पूरी लंबाई के बजाय तय की गई दूरी के आधार पर वसूला जाता है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण 500 दिनों में ही पूरा कर लिया गया था और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा गाइस, यातायात प्रवाह में व्यवधान से बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह यानी कि फास्टैग का विकल्प बनाया गया है। इस वाले एक्सप्रेसवे के किनारे 2.5 लाख पेड़ लगाए गए हैं, जिन्हें ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पानी दिया जाता है। एक्सप्रेसवे पर जगह जगह सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो सौर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के किनारे 400 किलोवाट यानी कि 4 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 8 सौर ऊर्जा संयंत्र बनाए गए हैं। इतना ही नहीं गाइस, सड़कों के दोनों ओर 2 मीटर लंबा साइकिल पथ बनाया गया है। अगर कोई साइकिल चलाना चाहता है, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग करना चाहता है, तो उसके लिए भी जगह छोड़ दिया गया है। और तो और, एक्सप्रेसवे का 33% भाग कोयला बिजली घरों से निकलने वाले राख से बनाया गया है। जी हां गाइस, इससे प्रदूषण में और भी कमी आई है। इसके अलावा गाइस, ओवरलोड वाहनों को पार्क करने का प्रावधान, जहां वे एक्सप्रेसवे पर चलने से पहले वजन मान
मानदंडों को पूरा करने के लिए अपने माल के कुछ हिस्सों का डंप कर सकते हैं। गति पर नजर रखने के लिए हर 2 किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरा को लगाया गया है। मतलब आप पी खा करके कोई भी उल्लड़बाजी इस वाले एक्सप्रेसवे पर नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको दुबई जैसा सिस्टम देखने को मिलेगा। टोल प्लाजा पर गति सीमा से ज्यादा तेज चलने वाले वाहनों का चालान भी काटा जाता है। चालान की राशि कुल टोल भुगतान में जोड़ी जाएगी। इसमें एक्सप्रेसवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एसटीएमएस और इंटरनेशनल वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम यानी कि वीआईडीएस भी शामिल है। इतना ही नहीं गाइस, एक्सप्रेसवे के किनारे कई प्रसिद्ध भारतीय स्मारकों की प्रतिकृतियां भी स्थापित की गई है, जैसे कि इंडिया गेट, हवा महल, कुतुब मीनार, गुजरात नक्काशी, चार मीनार ईटीसी। ओवरऑल देखा जाए तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे क्षेत्रीय सड़क संपर्क में सुधार करने किसानों, व्यापारियों, एनसीआर क्षेत्रों के निवासियों और पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को बहुत ही मदद करेगा। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सप्रेसवे है। जब आप इस पर चलोगे तो आपको दुबई वाला फीलिंग आएगा, क्योंकि कानून टाइट है ना, आप अपने मर्जी से कुछ कर नहीं सकते हो, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना ही होगा। नहीं फॉलो करोगे तो फाइन भरो और घर जाओ। और ये चीज जरूरी है भारत में, जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा देश डेवलपमेंट नहीं करेगा। और अब डिसिप्लिन भारत में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, इन पहलों से स्थानीय परिवहन ढांचे में एक उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे यह अधिक तेज, अधिक कुशल और कम प्रदूषणकारी हो जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। अगर इस तरह के एक्सप्रेसवे भारत के हर एक राज्य में बनते हैं तो वो हर राज्य डेवलप करेगा, ये निश्चित है। लेकिन हर राज्य के लोग इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो जो राज्य एक्सेप्ट कर रहे हैं वो ग्रो कर रहे हैं। बाकी कई ऐसे राज्य हैं जिनकी बुनियादी ढांचे की क्या दशा हो रही है, कितने स्लो से वो आगे बढ़ रहा है, ये तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहता हूँ। बाकी आप किस राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपके राज्य में कौन से एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, क्या आप अपने राज्य के पहले एक्सप्रेसवे के बारे में बता सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की अपडेट आपको अपने फोन पर मिल जाए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि NHAI की पोजीशन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, और मैं हाउस के रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड हर साल बना सकता हूँ, और मुझे हमारे पास पैसे की कमी नहीं है सर। और आप ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको पूछो, कोई भी पार्टी का है जो मुझे रोड मांगने के लिए आता है मैं उसका सैंक्शन कर देता हूँ। एक भी पार्टी का MP नहीं कर सकता सर। NHAI AAA रेटिंग है, और मैं थोड़ा सा फाइनेंस का थोड़ा सीखा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारे जावड़ेकर जी ज़्यादा इकोनॉमी को जानते हैं, पर मैंने भी MBA किया है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा हमारा मॉडल इतना पक्का है राजीव जी, कि हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में, और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे हैं, वाराणसी से कलकत्ता का। तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूँ, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ।